भी जो अपडेट आई है वो ये है, WWE सुपरस्टार रोमन रिंग्स को अप्रोच किया गया है RRR2 के लिए। राजामौली की टीम से डिस्कशन चल रही है। हाँ भाई, कैसी लगी ये वाली अपडेट? भाई बहुत से लोग सोच रहे थे कि काम खत्म हो गया, RRR देख ली बस बहुत है। और राजामौली साहब भी बिगनिंग के इंटरव्यूज में यही बोलते आए थे कि यार इसका कोई पार्ट पार्ट नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं उनके पिताजी कहानी डेवलप कर रहे हैं और शायद आपको सेकंड पार्ट देखने को मिल जाए। उन्होंने डराया भी है ये कहते हुए कि शायद अगला पार्ट कुछ ऐसा हो जहां पर भीम और राम मिलकर मार रहे हैं एक दूसरे को। भाई साहब ये पाप मत करना। और बाकी अभी जो अपडेट आई है वो ये है, WWE सुपरस्टार रोमन रिंग्स को अप्रोच किया गया है RRR2 के लिए। राजामौली की टीम से डिस्कशन चल रही है। और देखिए, ये नहीं कि रोमन रिंग्स ही विलन होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो गार्ड हो या फिर सेकंड लीड विलन हो। जरूरी नहीं कोई विलन ऐसा हट्टा कट्टा ही दिखे, हट्टे कट्टे के दोस्त हो सकते हैं, किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट तो रहेगी। और ये जो कहानी है वो लिख रहे हैं मिस्टर वी विजेंद्र प्रसाद। अगर आप इनको नहीं जानते तो मैं बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ही इज पिताजी ऑफ राजामौली साहब। आपने जो मूवी देखी, ज्यादा पुरानी नहीं बताऊंगा, इनकी कुछ नई नई फिल्में बता देता हूं जो आपने देखी और आपको पता नहीं था कि इनके राइटर ये हैं। जैसे कि बजरंगी भाईजान जो मूवी आई थी, इसके राइटर यही हैं राजामौली के पिताजी। आपने एक मूवी देखी थी 2005 में प्रभास की छत्रपति, उसके राइटर भी यही हैं। आपने एक मूवी देखी थी रावड़ी राठौड़, उसके राइटर भी यही हैं। इसका जो तेलुगु वर्जन था विक्रमडु, उसके राइटर भी यही हैं, जो कि 2006 में आई थी। आपने 2017 में एक मूवी देखी थी मार्शल, उसके राइटर भी यही हैं। आपने एक मूवी देखी थी कंगना रनौत की 2019 में मनी करने का, उसके राइटर भी यही हैं। और भाई साहब आपने एक मूवी देखी थी 2009 में जिसका नाम मगधीरा, उसके राइटर भी यही हैं। प्लस बाहुबली कंक्लूजन वो भी इन्होंने लिखी है। एंड राइट नाउ ही इज बिजी इन सीता इनकारनेशन, जो कि कंगना मूवी बना रही है, उसके बाद अपराजित अयोध्या, इसके ऊपर भी ये लिख रहे हैं। साथ ही साथ बजरंगी भाईजान का सेकंड पार्ट भी लिख रहे हैं। ग्रेट राइटर, राइटिंग में कोई डाउट नहीं है। और भाई मजा दोगुना होने वाला है। आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। आई होप आप लोग भी उतने एक्साइटेड होंगे जितना मैं हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया रोमन रिंग्स के अलावा और कोई इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ब्रॉक लेसनर वगैरह जॉन सीना कुछ चाहिए तो नहीं आपको? बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द, तक आप सभी को अलविदा।